जयराम के गुप्त भट्टी और उसमें हथियार बनाने की बात नैना को पता चल चुकी थी। नैना के पास इस जानकारी के होने का पता चलने के साथ ही जयराम का चेहरा उतर गया था। जयराम की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। नैना को चुप देख वो एक बार फिर से उसकी ओर देखते हुए कहता है, बताओ ना नैना, आखिर तुम्हें सच्चाई का पता कैसे चला? तुम इस बात को कैसे जानती हो और तुम्हें ये किसने बताई है? मुझे जवाब दो नैना। जयराम पूरा पसीने से तर बतर हो चुका था। उधर चुपचाप खड़ी नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जयराम के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो हकलाते हुए कहती है, वो दादाजी मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। बस मेरे दिमाग में एक खास बल के निर्माण की बात आई और हथियारों के लिए सोचते ही मुझे आपका चेहरा दिखा। मुझे ऐसा लगता है कि आप हथियार बनाते हैं, इसलिए मैं यहां चली आई। नैना की बातों को सुनने के बाद जयराम बिल्कुल बेचैन था। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, नैना ये तुम आखिर क्या बोल रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं है, फिर ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नैना, ये सब आखिर हो क्या रहा है? जयराम को नैना सच ही बता रही थी, लेकिन उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में आखिर ये विचार कहां से आ गया? मुझसे तो किसी ने कुछ बताया नहीं, फिर मैं सीधा इनके पास कैसे आ गई? एक ओर नैना हैरान परेशान थी तो दूसरी ओर जयराम की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। इस लड़की को आखिर सच्चाई का पता कैसे चला? अगर मेरे हथियार बनाने की बात सबको पता चलेगी तो मेरा मंत्री पद भी लग सकता है और मुझ पर राजद्रोह का इल्जाम भी लग सकता है। इसी डर से तो मैंने ये सच्चाई अभी तक दुनिया में चंद ही लोगों को बताई थी। मेरे हथियार को सही लोगों तक पहुंचाने वाला मेरा आदमी तो ये काम कभी नहीं कर सकता, और वो कभी नैना से मिला भी नहीं। उसके अलावा ये सच्चाई तो मैंने सिर्फ वीरभद्र और प्रतिभा को बताई थी। अपने दिमाग में इन दो नामों के आते ही जयराम हैरानी भरी निगाहों से नैना को देखने लगता है। नैना को देखते देखते जयराम अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच्चाई नहीं हो सकती है। जयराम की इन बातों को सुन नैना भी हैरान थी। वो जयराम से कहती है, क्या हुआ दादाजी, क्या नहीं हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं? जयराम की बातें नैना के समझ से बाहर थी। नैना की बातों को सुन जयराम अपनी जगह पर बैठ जाता है और नैना की ओर देखते हुए कहता है, बेटी आज वो हुआ है जिसके बारे में मैंने आज तक सिर्फ कहानियों और ग्रंथों में पढ़ा था। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह सच भी हो सकता है। कुदरत का ऐसा करिश्मा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। जयराम अभी भी सिर्फ पहेलियां ही बुझाए जा रहा था। उसकी बातों को सुन नैना कहती है, दादाजी आप पूरी बात बताइए ना, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? नैना का सवाल सुन जयराम अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, बेटी आज तक ऐसा चमत्कार किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने आखिरी बार इस रहस्य के बारे में तुम्हारे पिता वीरभद्र और तुम्हारी माता प्रतिभा को बताया था। मैं अभी तक सोच रहा था वहां पर सिर्फ दो ही लोग थे, लेकिन ये मेरी भूल थी, वहां पर एक तीसरा इंसान भी था जिसे मैं अभी तक नजरअंदाज कर रहा था। जयराम की बातों को सुन नैना उससे कहती है, कौन दादाजी, कौन था वो तीसरा इंसान? आखिर आप किसे नजरअंदाज कर रहे थे? काफी देर से डरा हुआ और परेशान जयराम अब शांत हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए नैना की ओर देखते हुए कहता है, तुम नैना, तुम उस दिन अपने माता पिता के साथ उस जगह पर तुम भी थी, तुमने वहीं पर मुझसे सच्चाई को सुना था। जयराम की बातों को सुन अब हैरान होने की बारी नैना की थी। वो हैरान होते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रहे दादाजी, आखिर मैं वहां पर कैसे हो सकती हूं? अगर मैं वहां पर थी तो ये बात मुझे याद कैसे नहीं है? सिर्फ आपके राज वाली बात ही मुझे कैसे याद है? नैना के सवालों को सुन जयराम मुस्कुराते हुए कहता है, अब इसे प्रकृति का चमत्कार कहो या ईश्वर का आशीर्वाद, लेकिन तुम्हें उस दिन सच्चाई का पता चल गया था और तुम्हें ये बात आज याद आ गई। जानती हो मैं अभी तक सिर्फ वीरभद्र और प्रतिभा का ही जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उस वक्त तुम उनकी गोद में खेलती हुई छोटी बच्ची थी। मेरे ख्याल से तुम उस वक्त 2-4 महीने की रही होगी जब मैंने वीरभद्र और प्रतिभा को यह सच्चाई बताई थी। तुमने वहीं पर इस रहस्य को सुना होगा
और तुम्हें ये सारी बातें अभी तक याद है? जयराम की बातों को सुन नैना को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जयराम से कहती है, क्या दादाजी आप सच बोल रहे हैं? क्या यही सच्चाई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मुझे उस समय की ये बात अभी कैसे याद आ सकती है? नैना के सवाल तो वाजिब थे, लेकिन जयराम को भी इनका जवाब नहीं मालूम था। नैना बेटी, जब इंसान के पास किसी सवाल का जवाब ना होना तो उसे हमें चमत्कार मानकर प्रकृति या भगवान के हवाले कर देना चाहिए। अब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हें सच्चाई का पता कैसे चला है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है। जयराम की बातों को सुन नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी अपने दिमाग को इसे एक चमत्कार बताकर शांत करा देती है। थोड़ी देर तक उस भवन में पूरी तरह से शांति रहती है। इसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए नैना कहती है, दादाजी तो आपने क्या सोचा? क्या आप मेरी मदद करेंगे? अपनी निजी सेना के लिए नैना जयराम से ये हथियार बनवाना चाहती थी। उधर नैना से निजी सेना की बात सुनने के बाद जयराम धर्म संकट में पड़ चुका था। वो नैना की ओर देखते हुए कहता है, बेटी तुम्हारे इन सवालों का मैं क्या जवाब दूं? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया। जयराम की बातों को सुन नैना उससे कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप कैसे धर्म संकट में पड़ गए? मैंने ऐसी क्या बात कह दी आपसे? नैना की बातों को सुन जयराम अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है, नैना तुम्हारे पिता मेरे बहुत प्रिय थे, तुम भी मेरी पोती की दोस्त हो और मेरी भी प्रिय हो, लेकिन नैना सिर्फ इस वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। मैं सबसे पहले वत्सल साम्राज्य का एक योद्धा और उसके साथ ही कुषाण राज्य का महामंत्री भी हूं। कुषाण राज्य को तो मैं छोड़ भी दूं, लेकिन वत्सल साम्राज्य की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैंने जो कसम खाई है वो मेरी मृत्यु के साथ ही खत्म होगी। ऐसे में मैं तुम्हें हथियार देकर वत्सल साम्राज्य के लिए कोई खतरा नहीं मोल ले सकता हूं। वत्सल साम्राज्य के साथ भी मैं धोखा नहीं कर सकता हूं ना। जयराम की बातों को सुन नैना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी वफादारी और कसम ने मुझे आपका मुरीद बना दिया है महामंत्री। वैसे आप चिंता मत कीजिए, ये राज्य और साम्राज्य मेरे लिए नहीं बने, मेरा मकसद तो इनसे कहीं बड़ा है। वत्सल साम्राज्य के लिए मैं आपको ये वचन देती हूँ, जब तक इस साम्राज्य के सम्राट मुझे, मेरे परिवार को या मेरे चाहने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वैसे आप तो इस बात को जानते ही हैं, अयोग्य और अत्याचारी इंसान की रक्षा नहीं की जा सकती है, इसलिए वर्मन परिवार के सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती हूं। नैना की बातों को सुन जयराम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है नैना, ये कुषाण राज्य मेरे लिए महत्वपूर्ण भी है? मैं तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता और मेरा बेटा, हम जैसे योद्धाओं ने वत्सल साम्राज्य की रक्षा करने की कसम खाई थी। सिंह वर्मन भी हम में से एक ही था। जब हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगे तो सम्राट ने हमें जीवन यापन और अपने परिवार को संभालने के लिए ये राज्य दे दिया। उसने सम्राट की चापलूसी ज्यादा की तो उसे राजा का पद मिला और हमें अन्य पद दे दिए गए। हमने सिर्फ साम्राज्य की रक्षा करने की कसम खाई थी। तुम वर्मन के साथ कुछ भी कर सकती हो। जयराम की ये बातें नैना के चेहरे पर एक मुस्कान ले आती। उसकी बातों को सुन नैना कहती है, महामंत्री जी मैं आपके परिवार के साथ भी हमेशा मधुर संबंध रखने और जरूरत पड़ने पर आपकी सहायता करने का वचन देती हूं। नैना की इन बातों को सुन जयराम एकटक उसकी ओर देखे जा रहा था। क्या यह सचमुच नैना ही है जो बच्चों से बचने के लिए दिन भर मेरी पोती निशा के पीछे छिपी रहती थी? वो आज मुझे रक्षा करने का वचन दे रही है। क्या ये वही नैना है? यही सोचते हुए जयराम कहता है, ठीक है नैना, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मैं हथियार बनाने के लिए तैयार हूं। जयराम की बातों को सुन नैना बेहद ही खुश थी। वो कहती है, शुक्रिया शुक्रिया दादाजी, हथियारों के बारे में जरूरी जानकारियों के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, अभी मैं चलती हूं। इतना कह नैना वहां से निकल जाती है। हैरान जयराम नैना को वहां से जाते हुए देख रहा था। अमात्य ने इस लड़की को जबरदस्ती गरुण सैन्य बल में भेजने की जिद करके बहुत बड़ी गलती की है, आगे उसे बहुत अफसोस होने वाला है। जयराम के दिमाग में चल रही इन्हीं बातों के बीच नैना वहां से बाहर निकल गई थी।
उधर जयराम के घर से निकलने के बाद जगदीश भी अरुणिमा के पास पहुंच चुका था। डरते डरते जगदीश और राजेंद्र अरुणिमा के सामने जाते हैं। जगदीश और राजेंद्र को यूं अपने कक्ष में देख अरुणिमा कहती है, क्या हुआ, आप दोनों इस वक्त यहां क्यों आए हैं? अरुणिमा की सख्त आवाज देख किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जगदीश को ऐसा लग रहा था उसकी हलक में जुबान ही नहीं है। किसी तरह वो खुद को संभालते हुए कहता है, वो अरुणिमा, एक मुसीबत आ गई, वो नैना को। जगदीश की जुबान अब लड़खड़ा रही थी, उसकी जुबान से शब्द बाहर ही नहीं निकल रहे थे। ये देख अरुणिमा थोड़े और कड़क आवाज में कहती है, जो बात है ना स्पष्टता के साथ कहिए। अरुणिमा की बात सुन जगदीश किसी तरह आगे बोलते हुए कहता है, वो नैना को शायद हमारी सच्चाई का पता चल चुका है। जगदीश से इतना सुनने के साथ ही अरुणिमा की पुतलियां एक बार फिर से सफेद होने लगी थी। वो खड़ी होती है और धीरे धीरे अपने कदम जगदीश और राजेंद्र की तरफ बढ़ाती है। अरुणिमा के हर बढ़ते कदम के साथ जगदीश और राजेंद्र के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। नैना को सच्चाई पता चलने की बात जानने के बाद अब आगे क्या करेगी अरुणिमा? नैना को अपना निजी सैन्य बल बनाने के लिए कहने के पीछे क्या है आर्यमान का मकसद?